संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। समास में हमने मूल रूप से जान लिया था कि पांच प्रकार के होते हैं, और आज समास में केवल समास के बारे में थोड़ा सा जानकारी अर्जित करेंगे। केवल समास के साथ साथ हम पहले बेस को जानेंगे। मैंने बताया था कुछ सूत्र ऐसे होते हैं, पारिभाषिक जो शब्द होते हैं, सूत्र होते हैं, उनको समझना थोड़ा जरूरी होता है। तो दो तीन सूत्रों के बारे में जानेंगे और हम एक शब्द लेंगे केवल समास का, उसमें उसकी सिद्धि भी देखेंगे। तो आज दो तीन चीजें करने का प्रयास करेंगे और आशा करेंगे आपको ये लाभकारी अवश्य सिद्ध होगा। केवल समास नाम है, दो तीन सूत्र हैं इसके, लिख लेते हैं। समर्थाः पदविधि, यह परिभाषा सूत्र है, याद रखना है। मैं इसलिए इनको बताता चलता हूं कौन सा परिभाषा सूत्र है, कौन सा विधि सूत्र है, कौन सा अधिकार सूत्र है। संज्ञाचा परिभाषा का विधि नियम, ये चाह हमने जाने थे सूत्रों के प्रकार, तो ये परिभाषा सूत्र है। दूसरा है प्राकडारात समासः, यह अधिकार है, ठीक है, अधिकार सूत्र है। सहसुपा, ये केवल समास के लिए प्रयोग किया गया है सहसुपा। ये दोनों केवल ये बातें करेंगे कैसे कैसे क्या होगा, ये अधिकार और विधि दोनों का नियम, अधिकार धन विधि, ये दोनों सूत्र, दो प्रकार का सूत्र है ये, अधिकार भी, अधिकार सूत्र भी कह सकते हैं और इसको विधि सूत्र, ये दो अधिकार और विधि के अंतर्गत जाना जाता है। ये परिभाषा सूत्र को जानना है, क्योंकि परिभाषा सूत्र के बारे में हमने कृत प्रत्यय में जब बताया था तो उसमें परिभाषा सूत्र के बारे में भी समझाया था। परिभाषा सूत्र को जानना बड़ा ही आवश्यक होता है, क्योंकि वो सारे आगे तक की जो भी चीजें चलती हैं ये पूरे समास की परिभाषा करेगा कि समास होगा किसमें। पहले देख लेते हैं पद विधि और ये समर्थ दो शब्दों से मिलकर के बना है, तो समर्थ के बाद में पद विधि है। तो पद विधि से तात्पर्य क्या है कि एक पद जब दूसरे पद के साथ मिलकर के जब समस्त पद बन जाता है, यानी एकाकार हो जाता है उनमें, पदों में दोनों में, तो वो पद विधि कहलाता है। साफ क्लियर बातें समझ में आ रही होंगी उम्मीद कर रहा हूं। एक यहां इस छोटी सी बातें और कहता चलूं, एक मित्र है हमारे, उन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव दिया था मुझे, और यदि और सुझाव मिले तो उसका और समाधान करने का प्रयास करेंगे। कि उन्होंने बोला था कि आप पहले इस व्हाइट बोर्ड पर जो भी है, जो भी समझाना है उसको लिख लिया करें। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको ऐसे समझ में नहीं आता या समय ज्यादा लगता है, दोनों का उनको जवाब नहीं आया था। मैं आप लोगों से कमेंट के माध्यम से जानना चाहता हूं, मैं इसलिए ऐसे समझाता हूं, इसमें मैं आपके 5 मिनट लूंगा। हमारा जो मस्तिष्क होता है, मैं वैज्ञानिक पद्धति से समझाने का प्रयास करता हूं, हमारा मस्तिष्क है वो एक साथ एक ही दिशा में काम करता है। छोटा बच्चा है, सबसे पहले हम उसको एक पेज पर एक ही अक्षर का ज्ञान कराते हैं। चाहते तो सारे अक्षर ही तो ज्ञान कराने थे, सारे अक्षर एक ही पेज पर लिख लेते, नहीं लिखते हम, एक पर बड़ा बड़ा एक ही अक्षर का ज्ञान कराते हैं, जिससे कि उसकी जो मस्तिष्क है, उसका जो मस्तिष्क का केंद्र बिंदु है वो भटके नहीं, इस वजह से एक ही का ज्ञान कराते हैं। अगर मैं इस पर बोर्ड पर लिख लेता हूं, वैसे बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा कर ही रहे हैं, मैंने भी शुरू में एक दो वीडियो में किया था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, इसके लिए तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसमें क्या है, उसमें तो उसमें लिख लो उसके बाद में समझाते चले जाओ, बहुत ही सरल हो जाता है, लेकिन इस तरह से समझाना थोड़ा कठिन भी होता है और गलतियां भी हो जाती हैं शब्दों में, मैंने देखा है अक्सर, और आपसे ही कहता हूं कि गलती हो तो उसको बता दिया करें, जिससे हम उसको अगली वीडियो में बता दिया करें कि ये गलती थी उसमें। तो छोटे बच्चे को समझाने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक अक्षर का प्रयोग किया जाता है, फिर उसको दो अक्षर के मिलाकर काम किया जाता है, फिर 3 अक्षर को, ऐसे करके बौद्धिक विकास होता है। लेकिन किसी व्यक्ति का भी इतना विकास नहीं हो सकता कि वो एक पेज को एक साथ पढ़ सके। स्वामी दयानंद विवेकानंद सरस्वती के, विवेकानंद जी के बारे में जाना जाता है, सरस्वती नहीं है, दयानंद सरस्वती के बारे में बोला गया ऐसा, स्वामी विवेकानंद के बारे में ऐसा कहा जाता है, या उन्होंने कहा भी है कि अपनी दृष्टि को यदि बढ़ा लेंगे तो याद करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। वो एक पृष्ठ को
एक दृष्टि से देख लेते थे, पढ़ लेते थे, लेकिन हम अपनी कितनी भी कोशिश कर लें, हम दो लाइन को भी, दो पंक्ति को भी एक दृष्टि से नहीं पढ़ सकते। अब बोर्ड पर लिखने पर सारी जो मस्तिष्क की ऊर्जा है सारे बोर्ड पर रहेगी, तो वो शायद ही समझ में आए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक चीज़ों को समझाता चलूँ, तो आपको सूत्र भी याद होते चले जाएंगे साथ साथ, और दिमाग में वो चीज़ें बैठती भी चली जाएंगी। दिमाग एक ही जगह रहेगा और जैसा आप मुनासिब समझें, ठीक है। चलिए, तो समर्थ पदविधि, पदविधि को जान लिया, एक पद और दूसरे पद जब मिलकर के समस्त पद बन जाता है, यानी एक पद अलग ही बन जाता है, तो वो पदवी कहला, पदविधि कहलाता है। लेकिन पदविधि किसकी होती है? एक पद दूसरा पद जब मिलते हैं, समस्त पद बनते हैं, तो वो कौन से पद होते हैं? तब ये कहता है कि समर्थ पद, जिनमें सामर्थ्य हो मिलने की, ऐसे पदों को पदविधि होती है, असमर्थ की नहीं। तो सामर्थ किसमें होती है? तो यहां संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे, विस्तृत में जानने के लिए विश्वनाथ जी का साहित्य दर्पण है, उस पुस्तक से आप जान सकते हैं, और कभी मौका मिला तो उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि काव्य हमारा अछूता ही रह गया है, बिल्कुल काव्य को हमने छुआ ही नहीं है। विश्वनाथ जी के द्वारा बताया गया है कि योग्यता, इसको यही लिख लेते हैं, बताते चलेंगे, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, ये तीन, योग्यता से युक्त पद, आकांक्षा से युक्त पद, आसक्ति से युक्त पद, आसक्ति को सन्निधि भी बोला जाता है, ठीक है। इनसे युक्त पद वाक्य बनते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाक्य की परिभाषा है, तो हमें वाक्य नहीं, हमें समर्थ पद देखने चाहिए। तो ये समर्थ पद कौन से हैं? जिसमें योग्यता हो, आकांक्षा बनी हो और आसक्ति युक्त। अब थोड़ा सा उदाहरण देंगे, इसमें देखेंगे योग्यता से, जैसे इसमें बोला गया है, एक राज्ञ पुरुषा का इसमें यूनिवर्सल मैंने बताया था, ये हमेशा मिल जाता है, राज्ञ पुरुषा, ये समर्थ पद है, खैर इसमें नहीं जाएंगे। इसमें बोला गया है अग्निना सिंचति, अर्थात अग्नि से सींचता है, पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं उनको अग्नि से सींचता है, कैसा इसमें योग्यता है? ऐसी इन पदों में, अग्नि में और सींचन में जो पद हैं दोनों, योग्यता है दोनों में रहने की? नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अग्नि से कोई भी सिंचन कार्य नहीं हो सकता। तो ऐसी योग्यता होनी चाहिए जो दोनों पद आपस में मिल सके। आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब है किसी चीज की पूर्ति ना होना, इच्छा रहे, बनी रहे। जैसे केवल इसमें से ले लिया जाए राज्ञः, तो अब राज्ञः षष्ठी है, राजा का क्या, तो ये आकांक्षा बनी रहती है, तो इसके लिए पुरुष आना अनिवार्य है। जैसे देवदत्त ग्रामम आकांक्षा बनी हुई है, देवदत्त ग्रामम क्या, यानी देवदत्त ग्रामम गच्छति, अर्थात देवदत्त गांव को जाता है, इस तरह से यह आकांक्षा है। बहुत संक्षिप्त में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और जल्दी समझा रहा हूं। ऐसे पद जिसमें योग्यता हो, आकांक्षा और आसक्ति, आसक्ति का मतलब है सन्निधि, जो नजदीकी हो। अब राज्ञ पुरुष, हमको सीधे बोलना है, विलंब कर लिया जाए इसमें, दूरी कर दी जाए, तो उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। राज्ञ, फिर रुक जाए, पुरुषः, इस तरह से बोला जाए तो वो पद एक समीप नहीं आ पाएंगे, सन्निधि नहीं हो पाएगी। ऐसे युक्त पदों में सामर्थ्य जिसमें हो, एक होने की योग्यता होनी चाहिए बाकी को पूरा करने की, आकांक्षा होनी चाहिए बाकी को पूरा करने की, आसक्ति होनी चाहिए, ये इनसे युक्त जो पद हैं वो समर्थवान कहलाते हैं, अर्थात वो सामर्थ्य युक्त होते हैं, उन पदों में पदविधि होती है, ये परिभाषा है, और उन्हीं पदों की सीधी मानिए समास होता है। समस्त पद का मतलब ही होता है समास। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, और इसमें कुछ नहीं है, ये परिभाषा है, परिभाषा सूत्र है, आगे देखते हैं। अब आ गया है प्राक कडारात समासः, तो इसमें प्राक शब्द लगा हुआ है,
कड़ा रात लगा हुआ है। प्राक का मतलब होता है पहले या पूर्व, कड़ा रात यहां इसमें छिपा हुई है, चीजें इसमें छिपी हुई है, अधिकार के अधिकार सूत्र है ये। लेकिन कहां तक अधिकार, कड़ा रात से तात्पर्य है कड़ा रहा कर्म धारय, ये है कड़ारा कर्मधारय एक सूत्र है। उससे पहले पहले जितने भी सूत्र प्रयोग किए जाएंगे, अष्टाध्यायी का है ये सूत्र, इससे पहले पहले अष्टाध्यायी का नियम है वो पहले बता देते हैं कहां तक कौन सी व्यवस्था रहेगी। तो समास जो रहेंगे वो कड़ारा कर्मधारय सूत्र तक सूत्र है, उससे पहले पहले जितने भी सूत्र कहे जाएंगे वो समास के अंतर्गत आएंगे, अर्थात समास ये जो शब्द दे रखा है समास के वो अधिकार में जाने जाएंगे। ठीक है, इसका ये मतलब है और कोई इसका खास मतलब नहीं है। अब हम सहस्त्रपा के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें, ये बहुत ही मुख्य है क्योंकि हमारा उद्देश्य भी सहस्त्रपा को समझना है, केवल समास को। दो सूत्र इसलिए समझाए थे दिमाग में थोड़ी सी व्यवस्था बन जाए। कड़ारात, इसमें बताया ना मेरा कुछ ना रह जाता, इसमें कड़ा रहा है, ठीक है, कड़ा रहा कर्मधारय और सब ठीक है। सहसुपा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसमें समझाता चलूंगा, ज्यादा डिटेल में ना जाएंगे, सीधे सीधे इसके जो उदाहरण है उन पर चलेंगे, थोड़ा सा फिर भी जानना जरूरी है। सिद्धांत कौमदी के अनुसार और लघु सिद्धांत कौमदी के अनुसार इसके दो भाग किए गए हैं, एक सह और दूसरा सुपा, दो हिस्से कर दिए गए हैं क्योंकि एक वेद से भी संबंधित है। इसमें वेद के जो प्रयोग किए जाते हैं कुछ शब्द वेद में भी हैं जिनके समास होता है। तो पहला कहता है सुबंत पद का समर्थ पद के साथ, ठीक है, समास होता है। दूसरा कहता है सुबंत पद का समर्थ पद के साथ समास, सुबंत पद का सुबंत पद के साथ समास। पहला वाला दो भाग करने पर इसके अर्थ निकल आते हैं। पहला वाला कहता है सह वाला सुबंत पद का समर्थ पद के साथ समास, दूसरा कहता है सुबंत पद का सुबंत पद के साथ समास। इसको इस तरह से दिखाया गया है, मैं पूरा दिखाने प्रयास कर रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसी सूत्र पर सीधे चलेंगे। समर्थे सह समस्यते, ठीक है, ये प्रयोग है इसका, ये पहले वाले के लिए प्रयोग किया गया है, पहला खंड इसका जो किया गया है। तो इसके उदाहरण दो दे रखे हैं, वो उदाहरण देख लेते हैं, फिर इसका कोई भी काम नहीं रह जाएगा, फिर हम आगे इसमें गति करेंगे। पहला उदाहरण दे रखा है इसमें परिधन अभूषयत, परिधन अभूषयत अर्थात सुबंत का, यहां कहना ना समर्थ पद के साथ तिगंत के साथ समास हो जाना, और ये वेदों में ही होता है। इसके अनुसार सुप समर्थिन सह समस्यते, इसमें परिधन अभूषयत, तो समस्त पद इसमें बन जाता है परिभूषयत, ठीक है, ये वेदों में होता है। इसमें जो समास है वो लौकिक संस्कृत में ना होकर के वैदिक संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। इसमें एक और उदाहरण दे रखा है अनुधन वे धन अचलत, अनु व्यचलत। ये दो उदाहरण सुबंत पद का तिगंत पद के साथ समास किया गया है, याद रखना है ये वेदों से ही संबंधित है इसका, ठीक है। इसका जो बना है इसको लिख के बता देता हूं, हालांकि इसका यहां कोई मतलब नहीं है, दूसरे वाले को ऐसे लिखा गया है, इसमें व्याख्या की गई है सुप सुपा
सह समस्यते, अर्थात सुबंत का सुबंत, एक सुबंत पद का दूसरे सुबंत पद के साथ समास होता है, ये लौकिक की व्यवस्था है। इस तरह से इसके दो भाग किए गए हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें और कुछ नहीं है। अब यहां पर ये समझने के बाद इसकी व्यवस्था खत्म हो जाती है, फिर हम सीधे इस पर सहस्वा सूत्र पर ही चलेंगे। और सहस्वा सूत्र में भूतपूर्व ये शब्द दे रखा है, भूतपूर्व इसको व्याख्या करेंगे, इसकी सिद्धि देखेंगे पूरी, और तब जाकर के आपको केवल समास पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। मैं दो तीन उदाहरण और दे दूंगा इनके, ये प्रथम उदाहरण है ये मान के चलिए भूतपूर्व, ठीक है। चलिए अब इसके पूरा सिद्धि रूप देख लेते हैं, इसका इसको मिटाएंगे और आपको ये पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। इसमें लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह, ठीक है। हमने जाना था कोई भी समास होता है इसके दो विग्रह होते हैं, लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह। तो अब इसका लौकिक विग्रह भूतपूर्व का होगा, पूर्वम भूतः, ये इसका लौकिक विग्रह है। लौकिक विग्रह से जाना था हमने, जो भी समास दे रखा है, जो समस्त पद दे रखा है, यदि उसको विभक्तियों में बदल दिया जाए, विभक्तियों के साथ उसको खोल दिया जाए। अब इसमें थोड़ी सी एक चर्चा और करते चलें तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। उसका नाम वृत्ति है, वृत्ति है यानी ये समास वृत्ति चल रही है। समास वृत्ति के जब पदों को अलग अलग किया जाता है तो उन्हीं को ही विग्रह बोला जाता है। तो वृत्ति होती कितने प्रकार की है उनको हम जानते चलें। वृत्ति जो होती हैं वो पांच प्रकार की होती हैं, ठीक है। अब मैं इनको पांचों प्रकार को लिख करके आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां मैंने बताया ना कि कुछ ना कुछ चीजें निकलती रहती हैं, समझना बहुत जरूरी होता है उनको। सबसे पहले है कृदंत वृत्ति। इन वृत्तियों में जो कृदंत प्रत्यय हैं उनका प्रयोग किया जाता है, और वो अच्छा थोड़ी सी बात और करता चलूं। वृत्ति का मतलब ये होता है, जब वृत्ति होती है उसमें जो शब्द मिलकर के, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के, वो अंशतः या पूर्णतः अपने अर्थों को छोड़ करके एक नए अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात एकार्थी भाव हो जाते हैं और उनसे एक विशिष्ट अर्थ निकलता है, उसी का नाम वृत्ति है। तो समास में भी अपना जो अर्थ होता है वो अर्थ छोड़ देते हैं, वो शब्द आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, और नए अर्थ को वो जन्म दे देते हैं, ठीक है। ऐसे ही कृदंत वृत्ति, और जो सारी वृत्तियां समझाने का प्रयास करूंगा, पांच वृत्ति हैं, वो पांच वृत्तियों में जो शब्द होते हैं पूर्णतः या अंशतः अपना अर्थ छोड़ करके नए अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, या एकार्थी भाव होकर के दूसरा अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। तो कृदंत वृत्ति है। इस वृत्ति में क्या होता है, कृदंत प्रत्ययों का प्रयोग होता है। इसमें प्रकृति धन प्रत्यय इस तरह से प्रयोग होता है, या फिर ऐसे भी हो जाता है उपपद प्रकृति और प्रत्यय, ये इस तरह से भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। साफ आ रहा नहीं आ रहा, थोड़ा देख लूं, ठीक है। तो इसके उदाहरण हम देखते हैं, इसी को उदाहरण जब हम इनका अध्ययन करेंगे तब समय में सही से आएगा। जैसे कारक है, कार कहा, हार कहा, कुंभकार रहा आदि इसके उदाहरण हैं, जो कृदंत वृत्ति के उदाहरण में जाने जाते हैं। वृत्ति किसे कहते हैं एक बार और बताता चलूं, दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं तो अपना पूर्ण या आंशिक रूप से
अपना अर्थ छोड़ देते हैं और नए अर्थ को ग्रहण करते हैं, एकार्थी भाव होकर के एक विशेष अर्थ को जन्म देते हैं, विशिष्ट अर्थ प्रकट करते हैं, तो वही वृत्ति कहलाती है। और वृत्ति को समझने के लिए जो हम पदों को अलग अलग करते हैं, विग्रह मतलब उनके हिस्से करते हैं, उन विभक्तियों बांटे या उनको हिस्से करें, तो उसी का नाम विग्रह कहलाता है। ठीक है, अब इसमें समझाने से पहले मुझे विग्रह की याद आया कि इनको भी थोड़ा समझाते चल। दूसरा है तद्धित घटित वृत्ति। ठीक है, यहां पर तद्धितांत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, जैसे कृदंत किया गया ना, कृदंत, ऐसे तद्धित नहीं किया गया, क्योंकि तद्धित जो प्रत्यय होते हैं वो पहले भी लग जाते हैं, बीच में भी लग जाते हैं और बाद में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो शब्दों से लगने पर जो इनका विशेष अर्थ निकलता है वही वृत्ति कहलाती है, तद्धित घटित वृत्ति होती है। जैसे औपगवाह है, दाशरथी है, सर्वका है आदि, बहुत सारे शब्द हैं, पूरा जब अध्ययन करेंगे तब जानेंगे। तीसरे स्थान पर समास, समास वृत्ति है, और समास वृत्ति में दो या दो से अधिक जब पद संयुक्त होते हैं, समस्त होते हैं, तो एक नए अर्थ, एक विशिष्ट एकार्थी भाव करके विशेष अर्थ को दर्शाने लगते हैं। जैसे उसमें उदाहरण वही आ जाए कि, और बहुत सारे ले सकते हैं, राज्ञः पुरुषः। ठीक है, उदाहरण जब भी आएंगे तो ये ज्यादातर यही दे दिया जाता है, क्योंकि बड़ा ही सरल मालूम पड़ता है। पता नहीं सभी आचार्य 5,000 वर्षों से 2,500 वर्षों से इसी का उदाहरण क्यों लिया है। चौथे स्थान पर लिया गया है एक शेष वृत्ति। एक शेष वृत्ति को कुछ आचार नहीं मानते। हम जानेंगे जब द्वंद समास में आपने पढ़ा होगा, द्वंद समास के अंतर्गत ही आता है, इसमें दो या दो शब्द जब मिलते हैं तो एक ही एकार्थी भाव ही हो जाते हैं, और जो अवशिष्ट बचता है वो उस संपूर्ण शब्दों का अर्थ को प्रकट करता है। जैसे उदाहरण देखो, इसमें माता चा पिता चा पितरऊ, तो जो पितरऊ शब्द है वो इन दोनों का अर्थ बताने का काम करेगा। पांचवा है सनद्यांत धातु वृत्ति। सनद्यांत यानी सन आदि जो धातुएं हैं, जैसे धातु नहीं है, प्रत्यय है, ये क्यच है, काम्यच है आदि 12 प्रत्यय हैं, उन 12 प्रत्ययों से शब्द बनते हैं, शब्द जिनके पीछे लगते हैं ये, और फिर उनकी धातु संज्ञा हो जाती है। धातु संज्ञा जैसे ही होती है फिर पुनः उनसे प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, जैसे फिर शब्द बनते हैं, जैसे पुत्र यति, पुत्र काम्यति इत्यादि शब्द हैं, वो इसी वृत्ति के अंतर्गत जाने जाते हैं। तो हमने इसमें थोड़ा सा जानने का प्रयास किया है वृत्ति को, और वृत्ति के पदों को जब अलग अलग किया जाता है समझने के लिए, अर्थ समझने के लिए, तो उनको विग्रह बोला जाता है। विग्रह से याद आया था मुझे, इसलिए इनको समझाने का प्रयास बहुत सरल विधि से और कोशिश की है, बहुत संक्षिप्त रूप से समझाया है। उम्मीद कराऊंगा आपको ये लाभकारी सिद्ध होगा। ज़्यादा अगर वृत्तियों को समझेंगे तो आधा घंटा चाहिए इनको समझने के लिए। यही होता है और कुछ नहीं होता। कृदंत वृत्ति, तद्धित घटित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति और सनाद्यंत धातु वृत्ति, और इसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो अब इनको मिटा देते हैं, आगे चलेंगे हम। भूतपूर्व हो गया पूर्वम भूतः, ये लौकिक विग्रह हो गया। अब अलौकिक विग्रह क्या है? अलौकिक विग्रह में याद रखना है, हमने पहले ही बताया था कि जो 21 प्रत्यय हैं सो औ जस अम औष टाभ्याम भिस, उनको देखना होता है कि वो कौन सी विभक्ति में उनमें शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनमें से प्रातिपदिक और प्रत्ययों को अलग कर लिया जाता है, वही अलौकिक विग्रह है। जैसे पूर्वम है, पूर्वम में क्या है,
द्वितीय विभक्ति का एक वचन है तो सो औ जस अम, अर्थात अम इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो उनको अलग कर लिया जाएगा, पूर्व अम। ऐसे भूत है, भूत में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो सु का सीधे प्रयोग है, भूत सु। सभी समासों में हम इस तरह से ही जानने का प्रयास करेंगे। अब इसको थोड़ा सा सिद्ध कर देते हैं एक बार, बाकी सब आप उसी के अनुसार कर सकते हैं। ये पूर्वम भूतः है, हमको सिद्ध ये करना है, ठीक है। समास ये जो हुआ है याद रखना है, सह सुपा, इस सूत्र से सुबंत पद का सुबंत पद के साथ समास हुआ है, पूर्वम भूतः। अब आगे जो प्रत्यय सूत्र प्रयोग होता है वो है कृतद्धित समासाश्च। ये क्या करता है, हम अब इसको लेंगे, याद रखना है अलौकिक विग्रह में ही प्रक्रियाएं चलती हैं। इसको हम ऐसे लाइन खींच लेते हैं, पूर्व अम भूत सु, पूर्व अम भूत सु, इसके आगे सूत्र लगा है कृतद्धित समासाश्च। इससे क्या होगा, इसकी प्रातपदिक संज्ञा हो जाती है, कौन संज्ञा जाती है, प्रातपदिक संज्ञा। और इन संज्ञाओं के बारे में हमने डिटेल में जाना है और दो भागों में है, एक संज्ञा प्रकरण है और विशेष संज्ञा प्रकरण है, दोनों जाकर के आप देख सकते हैं, उनमें हमने एक भी संज्ञा नहीं छोड़ी है, लगभग सभी को समझाने का प्रयास किया है बड़े अच्छे से। तो अब इसकी समास हो जाएगा या इसकी प्रातपदिक संज्ञा हो जाएगी, जब प्रातपदिक संज्ञा हो जाएगी इसकी तो इसमें एक सूत्र लगाएगा सुपो धातु प्रातिपदिकयो, ठीक है, हर एक सूत्र को नहीं लिखूंगा मैं यहां। सुपो धातु प्रातपदिकयो से धातु और प्रातपदिक जो हैं उनसे सुप का लुक हो जाता है, अर्थात वो हट जाते हैं, तो ये बन जाएगा पूर्व भूत, ठीक है। अब ये बन गया पूर्व भूत, तो हमें तो करना है भूतपूर्व, तो भूत को पहले कैसे लाया जाए, आगे के जो सूत्र आएंगे या समास आएंगे उनमें तो एक देश प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम एक सूत्र लगेगा, लेकिन यहां पर वो प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों सुबंत हैं। यहां पर जो सूत्र प्रयोग होगा भूत पूर्वे चरट, हर एक को नहीं लिखूंगा, मैंने बताया था भूत पूर्वे चरट, जैसे ही प्रयोग करेंगे हम सूत्र को तो वो भूत शब्द पहले आ जाएगा और पूर्व बाद में आ जाएगा, इस तरह से। अब हमारे पास भूतपूर्व भूतपूर्व हो गया, लेकिन विसर्ग अभी हमारे पास नहीं है, तो इसमें एक न्याय है, उस न्याय का नाम है एक देश विकृति मनन्यवत, अर्थात इसकी इस न्याय से प्रातपदिक संज्ञा है वो अक्षुण्य बनी रहती है, एक देश विकृति मनन्यवत से, तो उसमें प्रातपदिक संज्ञा है होने अक्षुण्य रहने से स्वउजस, स्वउजस अमौदष्टाभ्यंभ्यस से सु इसमें आ जाएगा, तो भूत पूर्व सु प्रातपदिक है तो सु प्रत्यय इसमें लग गया, सु आ गया। अब सु का क्या होगा, उपदेशे अजननासिका इत से उसकी उ की इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपा से उसका लोप हो जाएगा। ये सभी सूत्रों को मैंने संज्ञा प्रकरण में समझाया है, आप उसको अवश्य देख ले जाकर के, तो ये बहुत ही सरल हो जाएगा। तो उपदेशे अजननासिका इत से क्या हो जाएगा, उ की इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा से उसका लोप हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, भूत पूर्व सा, इधर ले लेंगे इसको, है ना, भूतपूर्व सा बचा हमारे पास, भूत पूर्व सा। संधियों में विसर्ग संधियों का अध्ययन किया था, उसमें हमने पढ़ा था स स जुषो रु, अर्थात उस सूत्र से
साकार रू हो जाएगा, साकार रू हो जाएगा, किससे होगा, ससजुषो रू, उससे भूत पूर्व रू। फिर इसमें उपदेश अजनुनास का इत लगेगा, तस्लुपा से उसका लोप हो जाएगा, ऊ का बचेगा हमारे पास रा, ठीक है, तो भूत पूर्व रा ये बचा। और अवसान संज्ञा कर में पूर्वावसान, इस तरह से एक सूत्र है, अवसान संज्ञा होने पर खरवसान विसर्जनीय, ये सूत्र लगता है, तो रा का स्थान पर वो क्या सूत्र करता है, रा का विसर्ग कर देता है, तो बन जाता है खर वसानयो विसर्जनीय, सूत्र से रा का विसर्ग हो जाता है अवसान की स्थिति में, तो भूत पूर्वाह, यही तो सिद्ध करना था भाई, भूतपूर्वः भूतपूर्वः, तो ये सूत्र हैं इसमें कुछ, और ये सभी में एक जैसे ही लगेंगे। अब मैं इसके एक दो उदाहरण दे देता हूँ, इससे आपको आगे चल करके कुछ लाभकारी सिद्ध होंगे और अपने आप से भी कुछ शब्दों को ढूंढ सकते हैं। जैसे इसमें है एक दो उदाहरण, नई का है, ये कहता है न एकाह, यानी कि एक नहीं अनेकों, एक का यहां कोई भी मतलब नहीं है। दूसरा है उत्तम रणहा, उत्तम रणे, इस पे एक पे मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है। तीसरा है इसी की तरह ही है आधम रणहा, अधम ऋणे। चौथा है निसर्ग निपुणहा, ठीक है, विग्रह हुआ इसका निसर्गेण निपुणहा। इस तरह से ये चार उदाहरण हैं, और भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे देखेंगे तो, नएका ना एका अर्थात अनेक, उत्तम रणहा उत्तम ऋणे, अधम रणहा अधम ऋणे, निसर्ग नुपणहा निसर्गेण नुपणहा। केवल समास में आज इतना ही है, और इसके बाद में एक उदाहरण इसमें और आएगा दार्तिक के रूप में, वो हम अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम अव्यभाव से जानेंगे, अव्यभाव में लगभग 32 सूत्र हैं, सूत्रों को पहले बताऊंगा संपूर्ण सूत्रों को, जिससे कि आप उसको याद कर सकें, और उसके बाद फिर हम उसको प्रक्रिया शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।